आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक छोटे से ग्राम तरावली जो कि DPIP संकुल देगांव विकासखंड गैरतगंज जिला रायसेन में स्थित है। वह अपने बारे में कभी सोच नहीं सकता था कि मैं आज जिस ऊंचाई पर खड़ा हूं वो मैं कैसे पहुंच गया। इसका श्रेय DPIP रायसेन के रोजगार समन्वयक MS भदौरिया जी, संकुल देगांव के समन्वयक MK नगाइच एवं उनकी टीम को जाता है। उन लोगों ने जाकर उनसे चर्चा की और चर्चा करने के बाद उनको होटल मैनेजमेंट कुकिंग के बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद कोलकाता मुंबई से होते हुए बड़ी बड़ी होटलों में काम करते हुए 5 स्टार 3 स्टार में आज वो अरब कंट्री में हैं और अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। अब अपने परिवार को सहयोग करते हुए परिवार आज उनका खुशहाल है। अब आप मिलिए जोगिंदर से। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या आपका नाम क्या है? जोगेंद्र सिंह। आप कौन से गांव के रहने वाले? तरावली। तरावली के हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? जॉब होटल मैनेजमेंट। कहाँ पे? सऊदी अरब। सऊदी अरब। तो ये आप सऊदी अरब कैसे पहुँचे? आपने कहाँ ट्रेनिंग ली? ये मैंने DPIP से। अच्छा। इसी संस्था से गया था मेरे पास। DPIP से कहाँ पे ट्रेनिंग ली? ये भोपाल में। भोपाल में कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? ये थी 3 मंथ। 3 महीने की। उसमें आपने क्या सीखा? इसमें ये फूड प्रोडक्शन, ये कुकिंग का। कुकिंग का सीखा। तो उसके बाद फिर आपने कहाँ कहाँ नौकरी की? इसका मैंने मुंबई, अच्छा, बेंगलोर, कोलकाता करते हुए फिर सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब। सऊदी अरब में आप कौन सी होटल में काम कर रहे हैं? होटल केटागेट। केटागेट। तो आपको ये कितना समय हो गया ट्रेनिंग लेने के बाद? 2 साल अभी सऊदी में। ये ट्रेनिंग लेने के बाद काम कर काम रहे हैं। कर रहा हूँ। अभी आप कुकिंग में क्या क्या करते हैं? कुकिंग में इंडियन डिश और चाइनीज ये सब और कुछ अरब की हैं जो अभी मैं अरब में कर रहा था। अच्छा। वो भी हैं कुछ। सऊदी अरब में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे क्या पेमेंट देते हैं? पेमेंट मुझे अभी मतलब वहाँ का 1650 मिलता प्लस बोनस मिला के 40,000 बनता है इंडिया का। इंडिया का 40,000 बन जाता है। और परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? वो मम्मी पापा भैया हैं, भाभी हैं, उनके मतलब बच्चे हैं 3। तो आप जो भी आपको मिलता है वहाँ से आप घर पे भेजते हैं? हाँ, घर पे भेजता था। कैसा लगता है घर वालों को? अच्छा लगता था। आपके पास थोड़ा सा उन्नति हुई, कुछ विकास हुआ घर का? हाँ, हुआ है, बहुत विकास हुआ घर का। किस तरह से और क्या क्या काम मतलब घर पे हुए हैं आपके पैसे भेजने से? मतलब बहुत कुछ हुआ, जैसे अभी घर भी बनाया। हाँ। प्लस ये बोर हुआ घर पे। हाँ। और कुछ भी है और बहुत काम हुए। तो बोर होने से खेती में भी अब उत्पादन बढ़ गया होगा? खेती नहीं है लेकिन घर का ही है, पानी के लिए। पानी के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई। और अब आप पे और क्या चाहते हैं, मतलब आपके मन में और क्या? आप सऊदी अरब पहुंच गए हैं तो आपको और क्या आपके मन में आ रहा है कि मैं और अच्छा करूं? हाँ, अभी हो रहा है कि यही करूंगा, यही काम करूंगा इसी का ही, और भी करना चाहता हूं आगे भी मैं यही काम। अभी आपने और भी कहीं कोई अप्लाई किया है? अभी अप्लाई किया है मैंने मर्चेंट नेवी के लिए, देखो अगर हो जाता है तो। अच्छा, नेवी के लिए। नेवी के लिए। तो जैसे आपने शुरुआत में जब आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी तब आपको कैसा लगता था और आज काम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? अब ठीक है, थोड़ा पहले होता है टेंशन काम का, काम क्या करना, लेकिन ये DPIP जब आई तो इसी से मेरे को थोड़ा ये मिला जिससे मैं अभी आगे आया हूँ, तो अच्छी व्यवस्था थी ये। और आप अपने कुछ साथियों से कहना चाहेंगे DPIP को ट्रेनिंग के बारे में? हाँ, कहना चाहूँगा बहुत बढ़िया है, ऐसे अगर ऐसा कुछ मिले DPIP से तो ज़रूर करो, अच्छी व्यवस्था है ये। जोगन जी, जब आप सऊदी अरब गए होंगे तो आपको तो हवाई जहाज से जाने का मौका मिला होगा? हाँ जी, मेरे को इतनी कल्पना नहीं की थी मैंने कि मुझे भी ऐसा मौका मिल सकता है, तो मैं गया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब ऐसा आपने कभी सोचा नहीं था, है ना? और मुझे लगता है कि आप अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में आप पहले होंगे जो हवाई जहाज से यात्रा करके विदेश गए होंगे। पहले आदमी तो ऐसे गया। ये सौभाग्य आपको ट्रेनिंग के कारण प्राप्त हुआ। ट्रेनिंग का बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको उत्तरोत्तर ऐसी प्रगति दे। थैंक यू।